कांग्रेस के नेता सैम पित्रोड़ा फिर एक बार अपने बयान के चलते भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर आ गए हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोड़ा ने विरासत टैक्स के बाद भारत की विविधता को लेकर बयान दिया। पित्रोड़ा ने कहा कि भारत में ईस्ट के लोग चाइनीज और साउथ वाले अफ्रीकन दिखते हैं। वी आर ए शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। वी हैव सर्वाइव्ड 75 years in a very happy environment where people could live together, leaving aside few fights here and there. We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, you know, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We all respect different language. We all respect different religion, different look, different custom, different food. And as a Gujarati, I love dosa. I love Italy. That's my food. That's no longer South Indian food. Okay, that's the India I believe in. बयान देने के कुछ ही देर बाद कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया। कांग्रेस ने कहा कि भारत की विविधता की ये परिभाषा मंजूर नहीं है, ये गलत है। जब बयान सामने आया तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के वारंगल में सभा कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा, शहजादे के फिलोसफर ने चमड़ी के आधार पर देशवासियों का अपमान किया, गाली दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, लोग मुझे गाली दे तो मैं गाली सह लेता हूँ, लेकिन शहजादे के फिलोसफर ने इतनी बड़ी गाली दी है कि मेरे मन में गुस्सा भर गया है। आदिवासी समाज की एक प्रतिष्ठित बेटी है, उसको हम राष्ट्रपति बना रहे हैं, तो कांग्रेस उनको हराने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही है? कांग्रेस आदिवासियों को नाराज क्यों कर रही है? मैं सोचता रहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था। मुझे लगता है ठीक है, इस आजादी का दिमाग ऐसा है तो शायद वो द्रौपदी जी का विरोध कर रहा है, उनको चुनाव में हराने के लिए निकल पड़ा है। लेकिन मुझे आज पता चला कि ये कांग्रेस पार्टी द्रौपदी मुर्मू जो एक आदिवासी बेटी थी उसको हराने के लिए क्यों मैदान में उतरे थे। आज मुझे पता चला कि अमेरिका में ये शहजादे के अंकल रहते हैं, ये शहजादे के अंकल वो उनके फिलोसोफर एंड गाइड है। और जैसे क्रिकेट में आजकल थर्ड एम्पायर होता है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो थर्ड एम्पायर को पूछते हैं, और वैसे ही ये शहजादे ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते हैं तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है, और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहां काम कर रहा है इनका, ये देश को कहां ले जाएंगे। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं, जिसकी चमड़ी का रंग यहां हम सब जैसा रंग का।